ललितपुर जनपद के मेहरौनी ब्लॉक ग्राम पंचायत लरगन का कोटेदार राशन वितरण में कर रहा था भ्रष्टाचार, जिस पर मैंने सवा साल पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के माध्यम से समुदाय के लोगों को संगठित व जागरूक करते हुए मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाया हूँ। परेशानी है, मूल्य के भी खा रहे, सूची में नाम है, अनाज देते नहीं है। कौन नहीं देता अनाज? कोटेदार। आप गई हो कोटा लेने? क्या देती हैं? क्या कहते हैं? कहते नहीं है, तुम्हारे तो कारट नहीं है, अनाज नहीं देती हैं। ले जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें 4 यूनिट चढ़े हुए हैं, 2 यूनिट का देता है, बस इतना ही मिलेगा, और पैसे जो उस पर लिखा रहता है उससे ज़्यादा पैसा लेते हैं सर। तो आपको कितना मिलता है सर? 4 लोगों को? 4 लोगों को 10 किलो अनाज मिलता है। कितना मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए 20 किलो। कितने दिन से आपको गल्ला मिल रहा है? 1 साल से गल्ला मिल रहा है। कितना मिलता है? 30 किलो अनाज मिलता है। 30 किलो। आपको जब आ रहा है कि बाल बच्चे सब परिवार समाधान है, और आप सबकी धन्यवाद है। आप लोग ने फोटो खींची, बैठक करी और मेहरौनी दरखास्त दी, इसके बाद गल्ला मिला। आप लोगों को फोन लगा करके बुलाया, यहाँ मीटिंग डाली गई, मीटिंग प्रस्ताव डाला गया, तो यहाँ बैठ करके आप लोगों ने वीडियो बना करके आप लोगों ने तहसील पर जाकर के कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद फिर दुकान की ब्लैक हुआ, ब्लैक होने पर हमने वो माल पकड़ा, माल पकड़ने के बाद उस पर 3/7 धारा लगाई गई, इसलिए दुकान चेंज करी गई। तो आज 400 परिवारों को बढ़िया यश के साथ सुकून से गल्ला मिल रहा है, क्योंकि आभारी है, और आपकी संस्था को और आप लोगों को आपके इसमें हम बहुत रेडी हैं हम लोग, और आगे जो भी कार्य होगा वो आप लोगों का ऐसा ही सहयोग मिलता रहे तो आगे उन्नति बढ़ेगी, गांव के लोगों को सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद आपको और आपके सहयोगियों को, धन्यवाद। चाहता हूँ कि इसी प्रकार समुदाय की समस्या पर वीडियो बनाता रहूँ और उनको जागरूक व संगठित करते हुए बदलाव लाता रहूँ। मैं शंकर लाल, बुंदेलखंड क्षेत्र से इंडिया अनहर्ड के लिए।